सुचरिता, आप लगातार वहां सुप्रीम कोर्ट से अपडेट दे रही है। संदीप घोष को लेकर सवाल क्यों है? दरअसल 9 अगस्त को सुबह 7 बजे घटना का पता चलता है। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष क्या छुपा रहा है, ये सभी जानना चाहते हैं। करीबी सहयोगी से घटना के बारे में जानकारी मिलती है और उसके बाद घटना के बाद कई लोग सेमिनार हॉल में घुस जाते हैं, वहां पहुंच जाते हैं। संदीप घोष ने घटना के बाद एक बैठक की और संदीप ने पुलिस को बहुत देर से जानकारी दी, तुरंत जानकारी उनकी तरफ से नहीं दी गई, जबकि घटना जब हुई थी तो तुरंत फोन करना चाहिए था। बहुत टाइम लगाकर उन्होंने, ऐसा लगता है कि शायद तैयारी करके फिर पुलिस को जानकारी दी है, और उसके बाद परिवार को भी जब जानकारी दी तो भी गलत जानकारी दी, आत्महत्या का एंगल बताया और कम जानकारी के अभाव में उन्होंने सब कुछ कर दिया और फिर इस्तीफा भी दे दिया, फिर उनकी नियुक्ति भी हो गई। तमाम सवाल हैं सुचरिता, ये जो तमाम सवाल हैं एक अनसुलझी पहेली बन गई है, क्योंकि शक यही कि जाहिर किया जा रहा है कि संजय रॉय एक अकेला आरोपी नहीं था, और भी लोग हो सकते हैं। बिल्कुल सलोनी, और यही सवाल जो बार बार पूछा जा रहा है कि क्या संदीप घोष को जानकारी थी इस पूरे हत्या और रेप के बारे में, उन्होंने जानबूझकर देर से जानकारी परिवार को दी, और वो भी पहले गलत जानकारी दी गई कि बच्ची बीमार है, फिर कहा गया कि खुदकुशी की है। वहीं संजय रॉय से जो सवाल जवाब किए जा रहे हैं, उसका पॉलीग्राफ टेस्ट होना है। एक बार जितिन के पास जाएंगे, क्योंकि जितिन ये भी बता रहे थे कि कैसे 2 बार साइकोलॉजिकल टेस्ट हुआ जितिन, अब पॉलीग्राफ टेस्ट होना है। अब जरा हमारे दर्शकों को बताइए कौन कौन से सवाल हैं जिनके जवाब चाह रही है CBI इस पॉलीग्राफ टेस्ट के जरिए। साइकोलॉजिकल टेस्ट हुआ उससे CBI संतुष्ट नहीं, और यही कारण है कि अब पॉलीग्राफ, जिसे लाई डिटेक्टर टेस्ट भी बोला जाता है, वो अब CBI करवा रही है, उसका प्रोसेस शुरू किया गया। देर शाम तक ये जानकारी मिल रही है कि वो जो टेस्ट है वो शुरू करवा भी दिया जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि सवाल ये है, सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या सिर्फ संजय राय शामिल था, इसके अलावा कोई और नहीं था, या कुछ और लोग भी थे जो कि इस पूरे मामले में को छुपाया जा रहा है। क्योंकि CBI इन्वेस्टिगेशन ये बोल रही है कि सेमिनार हॉल के अंदर मल्टीपल फुटप्रिंट्स देखे गए, तो वो फुटप्रिंट्स किसके हैं, इतनी लापरवाही किस तरीके से हुई, क्राइम सीन को कोलकाता पुलिस ने समय रहते सीज क्यों नहीं किया, इतने सारे लोग सेमिनार हॉल में कैसे पहुंच जाते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है कि एक शख्स या और भी ज्यादा लोगों के इस केस में होने की संभावना है, क्योंकि लगातार जो डॉक्टर प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो इस सवाल को सबसे पहले नंबर पर उठाते हैं। दूसरा, संजय राय की मंशा क्या थी, क्या वो एक शराब के नशे में किया हुआ क्राइम है, या पहले से कुछ पुरानी रंजिश थी जिसको लेकर टारगेट किया गया विक्टिम को और उसके बाद इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो बयां कर रही है वो हैवानियत को बयां कर रही है, जिसको लेकर हर कोई एक तरीके से सहम रहा है। जब भी उसके बारे में बात करते हैं, हम भी शब्दों में उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को अच्छे से ब्रीफ नहीं कर पाएंगे, इस तरीके की हवानियत है। तीसरा, सबसे बड़ा सवाल इस केस में ये है कि क्या संजय रॉय सिर्फ एक मुखौटा है, या इसके पीछे कुछ और प्लेयर हैं जिन्होंने संजय रॉय का इस्तेमाल किया। बड़ी खबर बता रही हूं कि सुप्रीम कोर्ट में यहां पर सुनवाई शुरू हो चुकी है, बहुत महत्वपूर्ण खबर है। RG कर अस्पताल में रेप और हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई शुरू कर दी है, सुनवाई शुरू हो चुकी है। जैसा मैंने कहा कि चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली ये 3 जजों की जस्टिस की बेंच है, जो कि इस पूरे मामले में सुनवाई शुरू कर चुकी है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की ये खंडपीठ है जो कि इस मामले में सुनवाई कर रही है, और इस मामले में रविवार को स्वतः संज्ञान लिया गया था। स्वतः संज्ञान लेने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई शुरू कर दी है, तो यह बड़ी खबर। मैं आपको बता दूं, हम सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई शुरू हुई है, और जैसा हमने कहा कि सुप्रीम कोर्ट आज इस मामले में कोई दिशा निर्देश दे सकता है, सुप्रीम कोर्ट इस मामले में केंद्र और राज्य सरकार से सवाल पूछ सकता है। हम आपको ये भी बताएं कि इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया ही इस वजह से है, क्योंकि एक देशव्यापी आंदोलन देखा गया, देश भर में अलग अलग शहरों में डॉक्टर सड़कों पर उतरे और अपनी सुरक्षा को लेकर, खासकर महिला डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए गए। महिला डॉक्टर्स जो कि नाइट ड्यूटी पर जाती हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है, ये सवाल उठाए गए। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है, और मैंने जैसा कहा कि बहुत कम होता है कि हाईकोर्ट किसी मामले में सुनवाई कर रहा हो, हाईकोर्ट के सामने कोई मामला हो और उसके चलते भी सुप्रीम कोर्ट उस मामले में कॉग्निसेंस ले, सुओ मोटो कॉग्निसेंस ले, लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किया है। जैसा मैंने कहा, हाई कोर्ट में एक रिपोर्ट राज्य सरकार को दाखिल करनी है, ये बताते हुए कि इस मामले में स्टेट गवर्नमेंट ने क्या कुछ किया। जैसे ही ये जानकारी आई, ये मामला सामने आया, स्टेट गवर्नमेंट ने क्या कदम उठाए। इसी के साथ साथ ये भी कि जिस तरह से एक उपद्रवियों की भीड़
अस्पताल में पहुंची और जो क्राइम साइट थी उस पर टैंपर किया, वहां तोड़फोड़ की। उस पूरे मामले में भी कोर्ट ने बहुत नाराजगी भरे शब्दों में कहा था कि 7000 लोगों की भीड़ कैसे पहुंच गई, क्यों ना इस अस्पताल को बंद कर दिया जाए। को हाईकोर्ट ने सीधे सीधे राज्य सरकार को फटकार लगाई थी, उस पर भी राज्य सरकार को एक रिपोर्ट दाखिल करनी है। लेकिन इस सबके बीच आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, जो कि अहम है। सुप्रीम कोर्ट में यह सुनवाई, जैसा मैंने कहा कि अभी मेंशनिंग शुरू हुई है और इस पूरे मामले पे मैटर टेकअप होगा और सुनवाई शुरू होगी। और जैसे जैसे सुप्रीम कोर्ट से अपडेट्स आएंगे, हम आपको बता दें कि इस वक्त डेवलपमेंट्स कोलकाता रेप मर्डर केस में कहां कहां हो रहे हैं। सबसे पहला, जैसा जितिन कोलकाता से बता रहे हैं, वहां पर पॉलीग्राफ टेस्ट की मंजूरी मिल गई है, तो वहां पर पॉलीग्राफ टेस्ट होना है। और वहीं संदीप घोष को इस पूरे मामले में उससे पूछताछ जारी है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में सुओ मोटो कॉग्निसेंस लेते हुए इस मामले की सुनवाई शुरू हो गई है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसकी लाइव स्ट्रीमिंग हम आपको दिखा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से सीधे। और वहीं तीसरा एक्शन, पश्चिम बंगाल के गवर्नर जो कि दिल्ली पहुंचे हैं, जिन्होंने वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ से मुलाकात की है, और उसके बाद आज वो गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात करेंगे। I am appearing for the Indian Medical Association. We'll give our slip note. We'll give us. Milord, I am for the writ petitioner at whose behest the investigation was transferred to CBI. Right. But the reason why I must make it clear, the reason why we decided to take suo motu cognizance, we are conscious of the fact that the High Court was entertaining a petition which was filed by the petitioners who are here before us. Is because this is really now not just a matter relating to a particular murder which takes place in a hospital in Kolkata, which is horrific in the nature of the crime, but it raises systemic issues in regard to the safety of doctors. There are two more incidents, one in Bombay and one in Ahmedabad after Kolkata. Let the Chief Justice please. Deals with the systemic issue of safety of doctors across the across India. Yes. There are a couple of things, Ms. Sybil, before we deal with the broader aspects of safety and what we propose to do, we'll tell you in a moment. I have something to assist on that, neutrally. First, on matters of safety, we are deeply concerned about the fact that there is a virtual absence of safe conditions of work for young doctors across the country, particularly in public hospitals. As we know, these are all young interns. They are residents, senior residents, doctors, and most importantly, women doctors. Yes. Who are subject to or graver dangers and vulnerable. They are vulnerable. By virtue of the nature of their absolutely because of gender. Working hours. Just and working hours. Most of the young doctors have to put in somewhere 36 hours. इस पूरे मामले में कपिल सिब्बल पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से पक्ष रख रहे हैं और IMA की तरफ से, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह पेश हो रहे हैं। आपको ये भी बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में ये कहा जा रहा है CJI की तरफ से कि हमने इस पूरे मामले में संज्ञान इसलिए लिया है क्योंकि एक विभत्स घटना वहां घटी। लेकिन इसी के साथ साथ देश भर में डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठे हैं, इसीलिए हमने इस पूरे में स्वतः संज्ञान लिया है, सुओ मोटो कॉग्निशंस लिया है। इस वक्त ये लाइव स्ट्रीमिंग आप देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोलकाता रेप और हत्या मामले में जो कोर्ट ने संज्ञान लिया। CJI ये भी कह रहे हैं कि हमें डॉक्टरों, खासकर महिला डॉक्टर और युवा डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर चिंता है। जैसा मैंने पहले कहा कि सुओ मोटो कॉग्निशंस लेना, तभी सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करता है जब उसे लगता है कि इसका असर देशव्यापी है, प्रभाव पूरे देश पर पड़ रहा है। और CJI कह रहे हैं कि हमें डॉक्टरों और खासकर महिला डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर चिंता है देश भर में, इसीलिए हमने इस मामले में इंटरवीन किया है, हस्तक्षेप किया है, स्वतः संज्ञान लिया है। आपको बताएं कि इस मामले में इस वक्त ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये लाइव स्ट्रीमिंग कोर्ट में जो इस वक्त सुनवाई चल रही है उसकी आपको दिखा रहे हैं। कोलकाता रेप और हत्या मामले में जो कुछ आपने देखा पिछले दिनों में, सड़कों पर डॉक्टर्स उतरे, आम लोग उतरे, महिला डॉक्टर की जिस तरह से निर्ममता से हत्या और रेप किया गया, उसके बाद देश भर में एक आक्रोश देखा गया और उसके बाद कोर्ट ने इसमें हस्तक्षेप किया है, देश की सर्वोच्च अदालत ने हस्तक्षेप करते हुए सुओ मोटो कॉग्निशंस लिया है, स्वतः संज्ञान लिया है। ये लाइव स्ट्रीमिंग आप देख रहे हैं, तीनों जस्टिसेस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में पीठासीन है और CJI
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ इस खंडपीठ की अध्यक्षता कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर आपको बताऊं कि कोर्ट में इस वक्त जो सीजीआई कह रहे हैं, सीजीआई ने इस पूरे मामले में एक देशव्यापी कनेक्ट की बात की है। उन्होंने कहा है कि देश भर में डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर क्या प्रबंध है या फिर क्या जो गाइडलाइंस हैं उन्हें लेकर हम चिंतित हैं। सीजीआई ने कहा हम पीड़िता की पहचान उजागर होने को लेकर भी चिंतित हैं। आपको यह भी बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पीड़िता की पहचान को लेकर भी दायर की गई थी कि किस तरह से पीड़िता की पहचान उजागर हुई, जिससे प्रभाव परिवार पर पड़ता है, उनके परिवार की प्रतिष्ठा पर पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई उस मामले का भी जिक्र कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पीड़िता की फोटो और पोस्टमार्टम के बाद उसके शरीर को दिखाना ये बहुत चिंताजनक है, यानी कि पीड़िता की एक निर्मम तरीके से हत्या की गई बलात्कार के बाद और उसके बाद उसकी पहचान उजागर हो गई, उसकी फोटो उसके इस तरह से सर्कुलेट हुई है और उसके पोस्टमार्टम के बाद उसके शरीर को दिखाने की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बहुत चिंता खड़ी करती हैं, बहुत बड़ी चिंताएं खड़ी करती हैं, ये सीजीआई कह रहे हैं। क्योंकि इस मामले में एक याचिका अलग से महिला की लेडी डॉक्टर की पहचान उजागर होने को लेकर भी लगाई गई है। पश्चिम बंगाल के वकील कपिल सिब्बल इसमें इंटरवीन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं पहचान उजागर करने वालों के खिलाफ 65 एफआईआर दर्ज की गई हैं। अब पश्चिम बंगाल सरकार के रिप्रेजेंट कर रहे हैं कपिल सिब्बल और वो कह रहे हैं कि पहचान उजागर करने को लेकर हमने 65 एफआईआर दर्ज की है। आपको बताएं कि जो संदीप घोष के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है राज्य सरकार द्वारा, वो पहचान उजागर करने को लेकर ही है। तो कपिल सिब्बल ने कोर्ट को बताया है कि 65 एफआईआर इसी मामले में दर्ज की गई है पहचान उजागर करने को लेकर। और सीजीआई ये भी कह रहे हैं कि हम पीड़िता की तस्वीरें और नाम पूरे सोशल मीडिया पर प्रसारित होने से बहुत चिंतित हैं। सोशल मीडिया पर पीड़िता की तस्वीरें और जिस तरह से खबरें दिखाई जा रही हैं, सर्कुलेट हो रही हैं, उसे लेकर चिंतित हैं, क्योंकि वो सिर्फ पीड़िता की पहचान नहीं रह गई, अब वो पीड़िता के परिवार की भी पहचान उजागर करती है और इसीलिए हम चिंतित हैं। तो सबसे पहले कोर्ट में सीजीआई ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पहला जो सवाल उठाया वो देश भर में डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर चिंता, खासकर महिला डॉक्टर, और दूसरा पीड़िता की पहचान उजागर करने को लेकर चिंताएं उठती हैं। जिस तरह से पीड़िता की पहचान और खासकर सोशल मीडिया पे उसकी तस्वीरें वायरल हुई, इससे परिवार प्रभावित होता है और परिवार की पहचान उजागर होती है। इस मामले पर भी सीजीआई ने अपना ओपनिंग स्टेटमेंट दिया है। आपको यह भी बताऊं कि कपिल सिब्बल जो बता रहे हैं कि 65 एफआईआर दर्ज हुई है, इसी क्रम में संदीप घोष के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। सीजीआई कह रहे हैं कि हर जगह पीड़िता की पहचान उजागर हो गई, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। सीजीआई ने पश्चिम बंगाल सरकार से पूछा है कि क्या प्रिंसिपल ने हत्या को आत्महत्या बताया, क्या पीड़िता के माता पिता को सूचना देर से दी गई, उन्हें मिलने नहीं दिया गया। अब सीधा सवाल सीजीआई कर रहे हैं पश्चिम बंगाल सरकार के वकील से, वो कह रहे हैं कि क्या पहले इस हत्या को आत्महत्या बताया गया, क्या परिवार को देर से जानकारी दी गई और क्या उन्हें मिलने भी नहीं दिया गया, ये भी वो पूछ रहे हैं। और ये इसलिए क्योंकि परिवार खुद मीडिया के सामने आकर ये जानकारी दे रहा है। कल आपको हमने सुनवाया, कल से हम सुनवा रहे हैं आपको कि किस तरह परिवार में पीड़िता के पिता ने ये बात आकर कही थी कि उन्हें पहले फोन करके कहा गया उनकी बेटी बीमार है, फिर कहा गया कि उसने खुदकुशी की है और जब वो अस्पताल पहुंचे तब उन्हें पता लगा कि उसकी हत्या हुई है। इसीलिए सीजीआई ने सीधे सीधे स्पष्ट सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा है कि क्या देर से जानकारी दी गई, ये भी कि क्या पहले आत्महत्या बताया गया और ये भी कि क्या परिवार को मिलने नहीं दिया गया, यानी कि पीड़िता के शरीर को देखने भी नहीं दिया गया, बहुत देर में देखने दिया गया। ये सवाल सीधे सीधे पश्चिम बंगाल की सरकार के वकील कपिल सिब्बल से वो कर रहे हैं। सीजीआई ने ये भी कहा कि क्या हत्या के तहत एफआईआर दर्ज हुई, प्रिंसिपल क्या कर रहे थे, प्रिंसिपल यानी संदीप घोष वो क्या कर रहे थे, एफआईआर दर्ज कराने में देरी क्यों हुई है, ये बेहद गंभीर मुद्दा है। अब देखिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने कुछ दिनों पहले दिशा निर्देश दिए कि 6 घंटे के अंदर संस्थानों को एफआईआर दर्ज करानी होगी अगर किसी भी मेडिकल कर्मी पर कोई हमला होता है। आज सीजीआई ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि एफआईआर दर्ज करने में